कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे कराची सचल में पुलिस मुकाबले में तीन मुलजिमान के जख्मी होने का वाकया है। तीन मुलजिमान निजी कंपनी की कैश वैन को लूटने की कोशिश कर रहे थे। कैश वैन के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज, कैमरे की फुटेज एवाई न्यूज को मौसूल हो गई है। मजीद तफसीला जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा फुटेज में क्या चीजें सामने आई हैं और पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए, इस ये पुलिस मुकाबला हुआ है, इसमें तीन मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। सचल थाने की हदूद सुपर हाईवे के करीब एक निजी कंपनी की कैश वैन को लूट लिया गया था। मुसल्ला अफराद वैन को रोकने के बाद इसमें अंदर भी दाखिल हो गए थे और इस कैश वैन के अंदर निजी कंपनी की जो वैन थी, इसके अंदर काउंटर भी बना था। सीसीटीवी फुटेज कैमरे वैन के अंदर लगाए गए थे, जिसमें मुलजिमान को देखा जा सकता है वो कैश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक ये कोशिश करते रहे। इतला पर सचल पुलिस फौरी तौर पर पहुंची और मुलजिमान ने देखते ही पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से तीन मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 4 लाख से ज्यादा रकम इस कैश वैन के अंदर मौजूद थी, जो पुलिस ने नाकाम बना दी। तीनों मुलजिमान से पुलिस अब मजीद तफ्तीश भी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।